Assalamu alaikum and welcome back to my channel. This is Muhammad Uzair and you are listening me on Arabic. इस लेसन में हम सीखेंगे 50 मुतजाद अल्फाज यानी कि 50 अपोजिट वर्ड्स जिसको हम अरबी में कह सकते हैं 50 मुतवादात मुतवादात यानी कि अपोजिट वर्ड्स. मुतजाद अल्फाज कौन से होते हैं यानी कि एक लफ्ज दूसरे की जिद हो दूसरे की उल्ट हो यानी कि ठंडा गर्म ऊपर नीचे अंदर बाहर. इस तरह के मुतजाद अल्फाज हम सीखेंगे उनकी अरबी भी उनकी इंग्लिश भी और उनका उर्दू तर्जमा भी हम इस लेसन में सीखेंगे. इस लेसन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. आप वहां से इस लेसन को पीडीएफ की फॉर्म में यानी कि नोट्स की किताब में डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इसको बाद में याद कर सकें जब भी आपको ज़रूरत पड़े. मज़ीद ये कि इस तरह के अच्छे और मज़ेदार लेसन के लिए और अरबी सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी तरफ से अपलोड किए जाने वाले हर लेसन का नोटिफिकेशन मिले और आप हर सबक को सबसे पहले देखें. बढ़ते हैं लेसन की जानिब जिसमें पहला वर्ड है फौक. फौक इसको इंग्लिश में कहते हैं अबव. इसका उर्दू तर्जमा होता है ऊपर यानी कि ऊपर फौक. अब इसका उल्ट क्या है तहत. फौक तहत इसको हम कहते हैं बिलो और इसको हम उर्दू में कहते हैं नीचे. ठीक है फौक तहत अबव बिलो ऊपर नीचे. उसके बाद है कबूलन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्ट और इसको हम उर्दू में कहते हैं कबूल करना. ठीक है अब इसकी मुतजाद क्या होगी वो है रद्दन. इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिजेक्ट और उर्दू में कहते हैं रद्द करना. ठीक है कबूल रद्द एक्सेप्ट रिजेक्ट कबूल करना रद्द करना. नेक्स्ट है जमाउन एड. इसको हम उर्दू में कहते हैं जमा जमा करना या जमाउन. उसके बाद इसकी अगर हम जिद की बात करें इसके एंटोनिम की बात करें तो वो क्या होता है तफरीक. तफरीकन इसको हम कहते हैं इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट और इसको हम उर्दू में कहते हैं तफरीक. अब दोबारा देखते हैं इसको जमाउन तफरीकन एड सब्ट्रैक्ट जमा और तफरीक. नेक्स्ट है जमीयान ऑल सभी. जमीयान इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑल और उर्दू में कहते हैं सभी या फिर सब. इसके अगर हम जिद की बात करें वो बनती है ला अहदुन. ला अहदुन इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नन और उर्दू में कहते हैं कोई नहीं. ठीक है जमीयान ला अहदुन ऑल नन सभी कोई नहीं. नेक्स्ट है इज्नुन इजाजत देना अलाउ करना. ठीक है उसके बाद इसकी हम जिद की बात करें एंटोनिम की बात करें तो वो क्या बनता है मनउन. इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फॉरबिड और उर्दू में कहते हैं मना करना. इज्नुन मनउन अलाउ फॉरबिड इजाजत देना मना करना. नेक्स्ट है अहदुन अलोन तन्हा. इसकी मुतजाद क्या है मान टुगेदर साथ. ठीक है अहदुन मान अलोन टुगेदर तन्हा साथ. नेक्स्ट इज अबदन ऑलवेज हमेशा. अबदन ऑलवेज इसकी उर्दू में क्या होगी तर्जुमा हमेशा. नेक्स्ट इज इसकी मुतजाद क्या है कल्ला नेवर कभी नहीं. अबदन कल्ला ऑलवेज नेवर हमेशा कभी नहीं. उसके बाद है कदीमुन कदीमुन एंशियंट एंशियंट पुराना या फिर कदीम. इसको उर्दू में क्या बोलते हैं सॉरी इसकी मुतजाद क्या है जदीदुन जदीदुन मॉडर्न और इसकी जो उर्दू है वो भी क्या है जदीद नया. अब इसको देखते हैं दोबारा फिर से कदीमुन जदीदुन एंशियंट मॉडर्न कदीम जदीद या फिर पुराना नया. उसके बाद है कुदूमुन कुदूमुन अराइवल. इसको हम उर्दू में कहते हैं आमद पहुंचना. ठीक है इसकी हम अगर हम मुतजाद की बात करें एंटोनिम की बात करें तो वो क्या बनते हैं ज़हाबुन ज़हाबुन डिपार्चर. इसको हम उर्दू में कहते हैं रवानगी. ठीक है कुदूमुन
ذهابٌ arrival, departure, آمد روانگی. Next is صعودٌ, صعودٌ ascent, چڑھائی, ascent, چڑھائی. اس کی متضاد کیا ہوگی؟ حبوطٌ, حبوطٌ descent, اترائی. ٹھیک ہے, صعودٌ حبوطٌ ascent descent, چڑھائی اترائی. اس کے بعد ہے خلفٌ, خلفٌ back, پیچھے. اس کی متضاد کیا ہے؟ امامٌ front, سامنے. خلفٌ امامٌ back front, پیچھے سامنے. نیکسٹ از جمیلٌ beautiful. اس کی اردو کیا ہے؟ خوبصورت. جبکہ اس کے متضاد کیا ہوں گے؟ قبیحٌ یا پھر دمیمٌ, قبیحٌ یا پھر دمیمٌ. اس کی انگلش میں اس کا متضاد کیا ہے؟ اینٹونیم کیا ہے؟ اگلی, اگلی. جبکہ اس کو اردو میں کہتے ہیں بدصورت. جمیلٌ, قبیحٌ یا پھر دمیمٌ. بیوٹیفل, اگلی, خوبصورت, بدصورت. نیکسٹ از قبلٌ, قبل, بیفور, پہلے. اور یہ ہے بعد, آفٹر, بعد میں. ٹھیک ہے, قبلٌ بعدٌ, بیفور آفٹر, پہلے بعد میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ابتداءٌ, ابتداءٌ شروع کرنا, آغاز کرنا. اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں بگن, بگن. جبکہ اس کا متضاد کیا ہے, اینٹونیم کیا ہے؟ اختتامٌ, ختم کرنا, اینڈ کرنا. جبکہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں اینڈ. اب اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں, ابتداءٌ اختتامٌ, بگن اینڈ, شروع کرنا, ختم کرنا. نیکسٹ از کبیرٌ, کبیرٌ. اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ بگ. جبکہ اس کو اردو میں بولتے ہیں بڑا. اور اس کی متضاد کیا ہے, اینٹونیم کیا ہے؟ صغیرٌ, لٹل, چھوٹا. کبیرٌ صغیرٌ, بگ لٹل, بڑا چھوٹا. نیکسٹ از اغلاءٌ, اغلاءٌ بوائل, ابالنا. جبکہ تثلیجٌ فریز, جمانا. اغلاءٌ تثلیجٌ بوائل فریز, ابالنا, جمانا. شجیعٌ, شجیعٌ بہادر. اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ بریو. شجیعٌ بہادر, بریو. جبکہ جبانٌ کوورٹ, بزدل. ٹھیک ہے, بہادر کی الٹ کیا ہے؟ بزدل, چھوٹے دل والا. جبکہ اس کو کیا بولیں گے ہم دوبارہ سے؟ شجیعٌ جبانٌ بریو کوورٹ بہادر بزدل. نیکسٹ از وسیعٌ براڈ, کشادہ, کھلا. اس کا الٹ کیا ہے؟ ضیقٌ, ضیقٌ نیرو, تنگ. وسیعٌ ضیقٌ براڈ نیرو, کشادہ, تنگ. اس کے بعد ہے شراءٌ, شراءٌ بائی, خریدنا. ٹھیک ہے, یہ خرید رہا ہے. شراءٌ بائی, خریدنا. بیعٌ سیل, بیچنا, یہ بیچ رہی ہیں اور یہ ان سے خرید رہے ہیں. شراءٌ بیعٌ بائی سیل, خریدنا, بیچنا. نیکسٹ از باردٌ, باردٌ کولڈ, ٹھنڈا. بارد ٹھنڈا, کولڈ. اس کی الٹ کیا ہے؟ حار, ہاٹ, گرم. باردٌ حارٌ, کولڈ ہاٹ, ٹھنڈا گرم. نیکسٹ از مظلمٌ ڈارک, تاریک. مظلمٌ ڈارک, تاریک. جبکہ اس کا الٹ کیا ہے؟ مشرقٌ لائٹ, روشن. تاریک روشن, ڈارک لائٹ, مشرقٌ مظلمٌ.
मुतफावितुन, मुतफावितुन डिफरेंट, मुख्तलिफ, ठीक है, मुतशाबिहुन सिमिलर, मुशाबा या फिर एक जैसे। आप देख सकते हैं तीन अम्ब्रेला हैं, तीनों के कलर डिफरेंट हैं, तो यहाँ हम इनको क्या बोलेंगे, ये डिफरेंट है, मुतफावित हैं, जबकि इन तीनों के कलर सेम है तो हम क्या बोलेंगे, ये मुतशाबिहा हैं या एक जैसे हैं, ठीक है। मुतफावितुन मुतशाबिहुन डिफरेंट सिमिलर मुख्तलिफ एक जैसे। साबुन डिफिकल्ट मुश्किल, साबुन डिफिकल्ट मुश्किल। सहलुन इजी आसान, ठीक है, साबुन सहलुन डिफिकल्ट इजी मुश्किल आसान। आप देख सकते हैं ये पजल है, ये काफ़ी डिफिकल्ट है, इसमें बहुत सारे इसके पोर्शंस हैं, जबकि ये पजल बहुत इजी है, सिर्फ दो पोर्शंस हैं इसके, इसको ज्वाइन करना कंबाइन करना बहुत इजी है विथ कंपैरिजन टू दिस वन। मरदुन डिजीज बीमारी, मरदुन डिजीज बीमारी, जबकि इसके उल्ट क्या हैं, सिहतुन या फिर सलामतुन, सिहतुन या फिर सलामतुन, जबकि इसका इंग्लिश में एंटोनिम क्या है, हेल्थ, और इसका उर्दू में मुतजाद क्या है, सेहत। मरदुन सिहतुन या फिर सलामतुन, डिजीज हेल्थ बीमारी सेहत। उसके बाद है याबिसुन, याबिसुन ड्राई खुश्क, इसके एंटोनिम क्या बनते हैं, मुबतलुन मुबतलुन सॉरी मुबतलुन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेट, जबकि उर्दू में तर या फिर गीला। याबिसुन मुबतलुन ड्राई वेट खुश्क तर। मुबक्किरुन मुबक्किरुन अर्ली जल्दी, मुतअख्खिरुन लेट ताखीर से, मुबक्किरुन मुतअख्खिरुन अर्ली लेट जल्दी ताखीर। खालिन एम्प्टी खाली, ममलूउन फुल भरा हुआ, ठीक है, खालिन ममलूउन एम्प्टी फुल खाली भरा हुआ। नेक्स्ट इज दुखूलुन एंटर दाखिल होना, ठीक है, उसके बाद इसके मुतज़ाद क्या बनेंगे, एंटोनिम क्या बनेंगे, खुरूजुन एग्जिट निकलना, ठीक है, दुखूलुन खुरूजुन एंटर एग्जिट दाखिल होना निकलना। उसके बाद है शफ़ुन शफ़ुन, नेक्स्ट इसका जो इंग्लिश में बनता है मतलब वो क्या है, इवन जुफ्त, जबकि इसको हम मुतज़ाद क्या बनाएंगे इसके, वितरुन ऑड ताक, ठीक है, शफ़ुन वितरुन इवन ऑड जुफ्त ताक। अव्वलुन फर्स्ट पहला, अव्वलुन यहां ये फर्स्ट है पहला अव्वल, जबकि इसके मुतज़ाद क्या है, आखिरुन लास्ट आखिरी, यहां पर ये लास्ट है तो अव्वलुन आखिरुन फर्स्ट लास्ट पहला आखिरी। नेक्स्ट इज हुर्रियतुन हुर्रियतुन फ्रीडम आजादी, हुर्रियतुन फ्रीडम आजादी, जबकि इसका मुतज़ाद क्या है, अबूदियतुन अबूदियतुन स्लेवरी गुलामी, ठीक है, हुर्रियतुन अबूदियतुन फ्रीडम स्लेवरी आजादी गुलामी। नेक्स्ट इज ताजिजुन ताजिजुन फ्रेश ताज़ा, जबकि इसका मुतज़ाद क्या है, बाइतुन स्टेल बासी, ठीक है, ताज़ा बासी फ्रेश स्टेल ताजिजुन बाइतुन। नेक्स्ट इज अख्दुन गेट पाना हासिल करना, इताउन गिव देना, ठीक है, अख्दुन इताउन गेट गिव पाना देना। नेक्स्ट इज फरहानुन या फिर मसरूरुन हैप्पी खुश, ठीक है, इसके मुतज़ाद क्या है, हजीनुन इसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सैड या फिर उर्दू में गमगीन। फरहानुन या फिर मसरूरुन इसका मुतज़ाद क्या है, हजीनुन हैप्पी सैड खुश गमगीन या फिर अफसुर्दा। सुलबुन हार्ड सख्त, ये पत्थर है सख्त है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सुलबुन
लजीनुन, सॉफ्ट नरम, ठीक है। सुलबुन लजीनुन, हार्ड सॉफ्ट सख्त नरम। नेक्स्ट इज इख्फाउन या फिर कत्मुन, इख्फाउन या फिर कत्मुन, हाइड छुपना या फिर छुपाना, ठीक है। बहसुन सीक, तलाश करना, इख्फाउन बहसुन, हाइड सीक, छुपाना तलाश करना। राफ़िउन, राफ़िउन हाई ऊंचा, खाफिज़ुन लो नीचा, राफ़िउन खाफिज़ुन हाई लो ऊंचा नीचा। दाखिलुन इनसाइड अंदर, ठीक है, दाखिलुन इनसाइड अंदर, खारिजुन आउटसाइड बाहर, दाखिलुन खारिजुन इनसाइड आउटसाइड अंदर बाहर। मुब्तदीउन, मुब्तदीउन जूनियर अदना, अकदमुन सीनियर आला, मुब्तदीउन अकदमुन जूनियर सीनियर अदना आला। ज़िहकुन, ज़िहकुन लाफ हंसना, ज़िहकुन लाफ हंसना, जबकि इसका मुज़ाद क्या है, बुकाउन वीप रोना, ज़िहकुन बुकाउन लाफ वीप हंसना रोना। तो ये थे हमारे मुज़ाद अल्फाज, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा, आपको इस लेसन से बहुत अच्छी मालूमात मिली होंगी और आपकी वोकैब में एक बेहतरीन इजाफा साबित हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर उन लोगों के साथ जो अरबी सीखना और बोलना चाहते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू।